हाथ मिलाना बंद कर दीजिए। पहली बात, मैं कोरोना के बारे में आपको कुछ भी वो सब नहीं बताऊंगा जो आप सब जानते हैं व्हाट्सएप पे इंटरनेट पे पढ़ पढ़ के, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं वो बता रहा हूँ आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आपको कोरोना है या नहीं है। उसके बाद आप में से कोई अगर वो सिम्टम नहीं है, उसको लगता है कि मुझे कोरोना नहीं है, वो फिर वापस से घर जाए कुछ होता है, ठीक। खांसी, जुखाम, बलगम, बुखार, ये झगड़े हैं सबके, ठीक है। अगर आपको सूखी खांसी हो रही है, ड्राई कफ, खांस रहे हो बस, ये केवल पॉल्यूशन कफ है, केवल प्रदूषण से हो रहा है। अगर आपको खांसी के साथ बलगम आ रहा है, नाक भेड़ी है, ये आपको एलर्जिक कफ है, ठीक। यदि आपको नाक बहरी है, बलगम आ रहा है और आपको खांसी हो रही है, उसके साथ ऐसा अगर हो रहा है तो ये फ्लू या स्वाइन फ्लू कुछ भी हो सकता है, या नॉर्मल वायरस जिसमें कहते हैं वायरल हो गया आपको, ये वो भी हो सकता है, ये कोरोना वोरोना नहीं हो सकता। पर अगर आपको बुखार, सूखी खांसी, तेज बुखार, सूखी खांसी और सांस फूलना, जोड़ों में दर्द, चलो जोड़ों में दर्द सब चीजों में हो सकता है, मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि अगर आपको खांसी के साथ बुखार है और खांसी सूखी और तेज बुखार है तो ही ये कोरोना हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो भी हो। तो उसे पैनिक करना बंद करिए, मोस्ट ऑफ द लोगों को उसे डर लगता है। अब आप मुझे बताओ, इतने लोग बैठे हो, आप में से कितने लोगों को तेज बुखार है और सूखी खांसी है, बताइए कितना को। बलगम वाली खांसी, जुकाम बहुत लोगों को होगा, आप में से किसी को कोरोना नहीं है, फीस ले लो चले जाओ, मैं बता रहा हूँ बिना मत दे रहा हूँ। डरो नहीं कोरोना से, कोरोना ऐसे नॉर्मल वायरल है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, वो आपके और हमारी तरह नॉर्मल वायरल की तरह आता है चला जाता है। बिगड़ता किसका है, जिसकी ओल्ड एज है, उसकी इम्यूनिटी पावर कम है, उसको डायबिटीज है, उसको शुगर है, वो कैंसर पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी कम है, छोटा सा वायरल उसके ऊपर हमला कर देता है। और दूसरा, ये सैनिटाइजर का झगड़ा बंद करिए, ठीक, कोई जरूरत नहीं सैनिटाइजर की, साबुन है, हाथ धो लीजिए अच्छे से। पहले के जमाने में तो राख से हाथ धोते थे, चलिए राख से मत धोइए, आप नॉर्मल साबुन पानी से हाथ धोइए, कुछ नहीं फैलेगा कोरोना। दूसरी बात, एक बात और सीख के जाइए, जो लास्ट बात है, फिर मैं वापस आप लोगों को टाइम ना वेस्ट करके शुरू करता हूँ। छींकना और खांसना कैसे, ये आज नहीं आगे तक के लिए, हम कैसे छींकते हैं, चलो हो गया, ठीक है, इनके ऊपर भी गिरा दी, इनके ऊपर भी गिरा दी। आज के बाद आप सब खांसेंगे या छींकेंगे तो ऐसे अपनी बाजू, क्योंकि इधर आप टच नहीं करते हैं बार बार, ठीक है, और शर्ट को आप भर करके चेंज करते जाइए, ठीक है, करके दिखाइए सब कैसे खांसेंगे छींकेंगे। तो कोरोना से मत डरिए, उस समय में सब शांत हो जाएगा, रिलैक्स रहिए, अवेयर रहिए, कंफ्यूजन है आइए, घबराइए मत, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग गो हैश, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।